राम राम सर को जय श्री राम। वैसे सर हो क्या, तो बहुत अच्छे हो गए। 2:01 तो दिन के स्टार्टिंग अभी सॉरी। वैसे मैं कब से पबजी खेल रहा था, नहा वहा के खा पी के जाना था गोरखपुर, बट नहीं जा रहा हूँ, काम जो है इधर ही हो गया। चलो काम करने चल रहे हैं, लेट्स गो। चलो जी चलते हैं, मम्मी के लिए कुछ शॉपिंग करनी है तो कर लेते हैं। अपना घोड़ा निकालता हूँ और चलता हूँ, लेट्स गो। मम्मी के काम से निकला हूँ तुम्हें पता ही है, बट मजबूरन बस जहाँ नहीं जाना था, सोचे भी नहीं थे कि हाँ आना है, वहाँ आना पड़ा है इनके वजह से। कैसे हैं, पार्टी होगी संडे को? लास्ट संडे तो कैंसिल हो गया। चलिए संडे को तो भाई पार्टी में मिलते हैं हम लोग, उसके अलावा कहाँ मिलना हो पा रहा है, कहाँ अपने भैया हो गए, कहाँ है तैयार करो। हाँ की हाल चाल भैया, कैसे हैं? गगा की याद आ रही है, गोरखपुर की याद आ रही है। अरे भाई सेंसर्ड है, सेंसर्ड है। मनीष भैया के थाने के पास एक ये दुकान है, गजब सही, यहाँ का छोला समोसा मिलता है और रसमलाई भी। क्या हो तू तो खा ले बड़ा, फिर का टकटोरा तेरा। अरे ठीक ठीक, ये अभी खा के गए हैं बट स्टिल ये देख रहे हैं, जिम कर रहे हैं भाई। कहाँ जा रहा सारा जिम, थोड़ा दिखाइए। हाँ जिम करते हुए बता रहे हैं, जिम 2 दिन की 2 महीने हो गए हैं, जब से कहाँ से गए हैं तब से आप जिम कर रहे हैं। आइए थोड़ा, थैंक यू। राम भैया बहुत ज़्यादा चॉकलेटी लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, पहले से तो स्मार्ट हो गए हैं, क्या बात है। इस चमक का क्या राज, राज क्या है? कोई इनको भैया कह दिया है। भैया आपका नाम ही है राम भैया, कोई राम भैया भैया कहे तब मानिएगा, 2 बार भैया लगना चाहिए आपके नाम में। क्या मनीष भैया गलत कहते हैं जा, ये हम लोग आ गया, हम लोग का छोला समोसा। ओए होए होए भाई खा पी लिए, अब चलते हैं थाने पे वापस से सबके साथ एक फ्रेम में। हाँ क्या भैया, देखिए मस्त मूवी आई है, देखने गए थे? अरे आप तो मूवी के बहुत ज़्यादा शौकीन है यार, आप ये नहीं देखने गए बताइए। अरे यार, अरे यार जिम करने का, ये देखो चौड़ा लग रहा है भाई अपना। इधर देखो भैया थोड़ा साथ छोड़ो, पेट निकल गया जिम कर करके इनका। लेट्स गो, ये देखो अभी कहाँ आ गए हम लोग, आई लव हमारा गोला बाजार, ये नदी के किनारे। अपन भैया लोगों के साथ जस्ट बिकॉज की एक्सप्लोर करना है, ठंडा ठंडा माहौल रहता है क्या भैया यहाँ पे, ठंडा ठंडा माहौल है चारपाई। अरे यार देखो तिरपाल बांध के चला रहे ना, हवा के अब डायरेक्शन में चलेगा, वो चलाना नहीं पड़ेगा उसे। सही है भाई, देखो उसको चलाना नहीं पड़ रहा है ये। यार तो हम लोग रहेंगे तब ना, मनीष मनीष का पोस्टिंग हुआ यहाँ पे, हम ला के उनको ये सब घुमा जाए। अब ये देखिए कि नहीं, अब जैसे हम बढ़िया यार बढ़िया, बहुत ज्यादा पानी का लेवल बढ़ गया, ये देख रहा सब डूब गया है। लास्ट टाइम हम लोग उसके नीचे तक खड़े थे, बहुत नीचे तक, बट सब पानी में डूब गया। फोटो लेना पड़ेगा भाइयों, ले लूं क्या देंगे भाई? बहुत सारी वीडियोस ले लिया, खुद का नहीं इन दोनों लोगों का, और यार टाइम लैप्स लगाने के लेने के लिए वहाँ पर फोन रखा पड़ा है रविंद्र भैया वाला, और यार टाइम लैप्स निकलता है आपको टाइम लैप्स दिखाएं इन 3 2 1 बूम। हो गया वीडियो टाइम लैप्स भी, तुम लोग को अच्छा लगा होगा तो तुम लोग टाइम लैप्स देखो, बीच में कैमरा गिर भी गया तो उठा लेता हूँ भाई, आ जाओ। ये टाइम लैप्स डन, और बीच में कैमरा गिर गया था हवा से, कोई ना, सो फार सो वेरी गुड। अमित पटेल चला जी चलते हैं। अरे पूरा लग रहा है खेत में जी गाड़ी चला रहे हैं आप। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, अपन लोग निकल लिए भाई, निकल लिए। सुमित भैया की चीज कर रहे हैं, अच्छा सुमित भैया हमारा
बहुत पुराना टीम था, सब बिछड़ गए यार। ऐसा नो जॉब है ये ना यार, नहीं रह सकते एक साथ लंबे टाइम के लिए, नहीं रह सकते बिल्कुल। ज़्यादा ज़्यादा दो साल तो एक साथ नहीं रहता, बट रविंद्र जो के साथ 3.5 साल बीता है हम लोग का, 3.5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, मैक्सिमम टाइम 2 साल का होता है, बट हम लोग 1.5 साल और उससे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बॉन्डिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा बड़ा भाई है यार, देखो भैयो गाड़ी बेच दो अब, ले लो बुलेट, वही पसंद है। चलो अभी आए थे मम्मी के लिए शॉपिंग करने, तो होलसेल में ये देखो इतना सारा सूट ले लिया। चलो चलते हैं, मम्मी कहीं है, एक आधा ले लेना, मैंने और भी लिया वो नहीं दिखा रहा हूँ, रख लीजिए इसे खड़ा कर लीजिए बीच में। जा रहे थे तो देखे अपनी बाइक 5,000 किलोमीटर चल गई है, 5,000 पे इसका सर्विस होता है, तो करा ही लें यार, सर्विस भी जरूरी है। ए व्हील व्हील टायर खोलोगे ना, टायर का अलाइनमेंट अपोलो में करवा लूँगा, वेट वेट डलवाना पड़ेगा ना, लहरिया आती है ना, तो आके सही करवा लूँगा अभी। अरे अरे वाह, इधर से तगड़ी आंधी आ रही है। हाँ भाई, पूरा टायर वायर सब कुछ खुलेगा, ग्रीसिंग होगी उसमें, ऐसा ग्रीस डलेगा, ऑयल डलेगा तब भैया। अभी टायर जो है, टायर थोड़ा मोड़ा घिस रहा है अब, लेकिन चलेगा, अभी चलेगा टायर, चलेगा मोटा मोटा मान के चलो, अभी 10-15 हज़ार किलोमीटर अभी चलेगा टायर इसका, कंडीशन अभी उतना है, हाईवे चलना है ना, तो अभी चल जाएगा। टायर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, देखें इसमें क्या दिक्कत आ रहा था, तो लेके ऑल टाइम फेवरेट अपोलो टायर्स यहाँ पे दिखा लूँ, जो भी इशू है सही करा लूँ, और उसमें अब तो नाइट्रोजन ही फिल कराऊँगा भाई, नाइट्रोजन ही मुझे अब फिल नहीं करवाना है, नॉर्मली यहाँ पर नाइट्रोजन मिलता है, अब नाइट्रोजन ही डलेगा। टायर के इस पार्ट में जो है ना वो है, बबल बना लिया है, तो ये जाएगा, दूसरा टायर आएगा, तो क्लेम के लिए इसे देना है, 10 दिन लगेगा उसमें, तो 10 दिन तक मैं अपनी बुलेट नहीं चला सकता हूँ, टायर जाएगा तो क्या करें, तो बिना 10 दिन के लिए दे देना अपनी बाइक, आप मुझे दे देना, दे सकते हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, क्या खोले के नहीं खे वो, हाँ गिरीज भाई सर्विस हो गया, ये नया एयर फिल्टर डलवा दिया, और क्या पड़ा है प्रिंस भाई, ओरिंग का वाला कहाँ है, ओरिंग सब कुछ नया पड़ गया, मोटा मोटा सब कुछ पड़ गया, चलो मैं दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका ऑयल फिल्टर पड़ा है नया, ओरिंग पड़ा है नया, नीचे एक बोल्ट लगता है वो नया पड़ा है, एंड या गुड टू गो, गाड़ी सही होगी, सर्विस शॉर्ट एंड सिंपल, थैंक यू। अपने दुकान का नाम बता दो अगर किसी को रॉयल एनफील्ड की सर्विसिंग करानी हो, किसी भी गाड़ी की हो जाएगी, रॉयल एनफील्ड की, रॉयल एनफील्ड किसी भी गाड़ी की हो जाएगी। कहाँ पे है? शक्ति बुलेट पॉइंट कहाँ पे है? पांडे पेट्रोल पंप। आपका कॉन्टेक्ट नंबर? 70-52-84-1790। चलिए ठीक है, जेन्युइन प्राइस में कर देंगे, जेन्युइन प्राइस में कर देंगे ना, जेन्युइन प्राइस देंगे प्लस वारंटी गारंटी भी देंगे, इंश्योरेंस भी करा सकता हूँ। अब क्या मैं बोलूँ, मेरा बोलती बंद कर दी आप। चलो गाइस, मैं इनके यहाँ जब से मैंने बाइक लिया है, नया बाइक लिया तब से मैं इनको जानता हूँ, और तब से इन्हीं का सर्विस कराता हूँ, ये रॉयल एनफील्ड का ही पार्ट है, बस मेरे को पर्सनली ट्रीट किया जाता है ऐसे कि जैसे मतलब फैमिली वाली बात हो चुकी है यहाँ पे। तुम भी आना, अच्छा वाला डील मिलेगा, फ्री में तो नहीं ना कराता, पैसा देता हूँ ना बिल्कुल। तो ये कोई कहेगा नहीं कि भाई पैसा खाया हूँ, पैसा नहीं खाता हूँ, जेन्युइन चीज है। अगर आपके रेफरल से कोई भी आएगा तो मैं 10% उसको डिस्काउंट दूंगा। चलिए थैंक यू गाइस, प्लीज आना। टेडी हो गई थी, मैं भूल गया था कि मेरा टेल लाइट जो है वो फ्यूज पड़ा है, तो नया टेल लाइट भी डाल दिया प्रिंस भाई ने, सो या चलने लगा ना प्रिंस, ऑल ओके, गाड़ी टंच, हाँ चलो, हाँ सही हो गया, चलो सेक्सी बनेगी सेक्सी। हेलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट हॉस्पिटैलिटी प्रिंस भाई, थैंक यू ब्रो, ऐसे ये सजाते रहना, तुम्हारा हाथ में कालिख लगा था, बट स्टिल मैं भेदभाव नहीं किया तुमसे। भाई सर्विसिंग के बाद इसका पेट भी भरना जरूरी है, देखता हूँ आज कितने का पीती है भाई, ऑटो कट गिरेगा नहीं, गिर जाता है हमेशा, कई बार मेरे साथ हो चुका है, मेरे साथ कई बार हो चुका है,
ओ भाई नहीं एकदम फुल कर दो, हजार का कर दो। हजार का आया भाई, मोटा मोटा 10 लीटर आया, लबालब कर दो। अरे यार 1000 का आया मोटा मोटा, देखो लबालब भाई। घर आ गए, अभी नहाऊंगा, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है। इंजन चेक हीट है, कम हीट है। सर्विस के बाद यूजली गाड़ी कम हीट होती है क्योंकि नया नया इंजन ऑयल है। और ये जा रहे हैं घर। चलो जी सर, थैंक यू, कल मिला जाए। और ये मेरा पुराना वाला इंजन ऑयल, बढ़िया है ना? उधर नहीं, अब टायर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। ये चलने के हालत में नहीं है, कंडीशन नहीं है। वो जाएगा वो बनने के लिए, ऊपर टायर जाएगा ना। चलिए मिलते हैं। नहा वाले है तुम्हारा भाई, नहा कर दलपट्टी खा लो भाई। अभी तुम्हारा भाई जो है एडिटिंग पे बैठ चुका है, अभी मैं जाके बाहर से मस्त घूम घूम के टहल वहल के आ रहा हूँ। खाना खाने का प्यारा वाला खाना खाया हूँ भाई, आज मज़ा आ गया। मम्मी ने आज खाने में खीर बना दिया था और खीर के साथ साथ था पनीर, मजा आ गया है। खैर इस ब्लॉग को एंड करते जाना था, देख लो प्लीज, मेक श्योर लाइक करके जा रहा हूँ। बाय, हैशटैग पीस, आई नो यू लव मी, बाय, मिलते हैं।